जय श्री कृष्णा। तो भाई सुबह के हो रहे हैं कितने, 5 बज रहे सुबह के, और हम निकल लिए वृंदावन के लिए। आज बाके बिहारी जी ने बुलाया है तो वहाँ दर्शन करने जा रहे हैं, और सरप्राइज़ है, एक दो बंदों ने जाना साथ में, सिर्फ दो लोगों ने जाना था, और अब देखते हैं कौन कौन जा रहे हैं। तो गाइस ये जो अभी हम जा रहे हैं वृंदावन, ये कुछ प्लान नहीं था, ये ऐसे ही अभी मतलब रात को बना था कि हम जाएंगे, और किस किस का था, कौन कौन जाएगा, ये तो ये था कि हाँ दो लोग जा रहे हैं, और देखो बिहारी जी ने बुलाया है, और अब कितने लोग जुड़ने वाले हमारे साथ ये तुम देखोगे अभी आगे वीडियो में। तो भाई कुछ नहीं पता होता, भगवान ने कब किसे कहाँ बुलाना है कुछ नहीं पता। तो भाई दिल से भाई जय श्री कृष्ण, तुम भी लिख दो भाई कमेंट में भी लिख दो, और बोल भी दो उसे जय श्री कृष्ण। गाइस सुबह सुबह का टाइम, और हम चल दिए बाके बिहारी जी के दर्शन करने, आओ तुम्हें भी कराते हैं दर्शन। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे, जो कि सीधा लखनऊ को कनेक्ट करता है, और ये हाईवे बहुत ही ज़बरदस्त है यार, मज़ेदार। हम 2 घंटे में पहुँच गए थे भाई, देखो मज़े लो तुम। गुड मॉर्निंग। पहला स्टॉपेज हमारा जेवर पे रुक चुके हैं। जेवर कहाँ जा रहे हो? जेवर लेने क्या है? हाँ ले ले, सैंडविच ले ले, सैंडविच ले ले और भी ले ले। गाइज हम यहाँ पे रुके थे जेवर पे, जो पहला टोल आता है, यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया बढ़िया तरीके से एकदम, अपना खा पी के हम आगे चल दिए, और आगे तुम देख ही रहे हो। अब यहाँ पे मैं वॉइस ओवर डाल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे पीछे म्यूज़िक भी चल रहा है और सब सो रहे थे, तो मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। तो फाइनली गाइज ये जो कट है वृंदावन के लिए, लेफ़्ट मुड़ जाता है, यहाँ से लेफ़्ट लेके यू टर्न है, और उसके बाद वृंदावन की सड़क पे हम रास्ते। हेलो बेबी, कैसा है तू? ये देख लो, ये जमुना बार की ओनर है, हरकतें देख लो इनकी, कुछ कहना चाहोगे पाजी? इधर से मैं कुछ नहीं कहता जाता, मैं तो चाय एंजॉय कर रहा हूँ, चाय पियेंगे शिवा ढाबा। तो गाइस हम लोग पहुँच गए वृंदावन, हमने गाड़ी अपनी लगाई पार्किंग में, और उसके बाद हम यहाँ से पैदल यात्रा पे निकल गए। अब आगे जाके हमें रिक्शा मिलेगा, और रिक्शा पे बैठ के हम जाएंगे वृंदावन बाकी पे बिहारी जी के मंदिर दर्शन करने। 1, 2, 3 एक आगे बैठा है, 4 इसमें चल रहा है म्यूजिक। टुक-टुक नहीं है मेरे। ये गाइस इस्कॉन टेम्पल है वृंदावन में, ये यहाँ पे भी बहुत आनंद मिलता है भाई, मत्था टेक के मज़ा ही आ जाता है यार। बस इसके चक्कर में हम यहाँ पे किसी कारण हम नहीं आ पाए, क्योंकि कुछ काम पड़ गया था अर्जेंट, तो सिर्फ बाके बिहारी जी मत्था टेका और फिर हम वापस चले गए थे। ये जो गाइस आप साइड में लेफ्ट साइड में रेलिंग देख रहे हो ना, ये सब जन्माष्टमी के कारण में लगाई थी, क्योंकि यहाँ बहुत रश होता है यार, बहुत ही ज़्यादा रश, मज़ेदार। भाई यहाँ पे लोगों से ज़्यादा बंदरों से सावधान रहना पड़ता है, तो भाई सावधान बंदरों से, देखो जो ऊपर चढ़े हुए हैं ना, बच के रहना। गाइज ये मंदिर के बाहर की पिक्चर है, क्योंकि मंदिर के अंदर तो रिकॉर्डिंग नहीं करने देते, कैमरा ऑन करने ही नहीं देते, तो बस मैंने कहा यहाँ से थोड़ा सा मंदिर दिखा दूँ, आप यहीं से दर्शन कर लो, बोलो जय श्री कृष्ण।
ये है राधा वल्लभ मंदिर, जो कि बाकी बेरी मंदिर जी के एकदम साथ में। यहाँ पे मैं कैमरा ऑन कर सकता था, तो मैंने कहा थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को भी दिखा दूँ। दर्शन कर लो, बोलो प्रेम से, बोलो राधे राधे। दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए गब्बर कचौड़ी वाले पे, जिसकी कचौड़ी और पूड़ी बहुत ही फेमस है। हमने खाई वहाँ पे आलू की सब्जी पूड़ी, बहुत स्वाद, और साथ में कचौड़ी। उसके बाद भी हमने लस्सी का ग्लास, जो कि बहुत शानदार था। और पता क्या हुआ, ये तो मैंने धूप से बचने के लिए पहना हुआ है, सर पे धूप लगी थी बहुत ज़्यादा। एक बाबा आया सर पे ना मेरे, वो मार दी जोर से तो मुझे डर लग रहा है मैं हिप्नोटाइज तो नहीं हो गया। नहीं 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 हुए तो ये चीज़ नहीं पूछ रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हिप्नोटाइज हो गया। कितनी उंगली है? दो ना। हो गया हो गया गाइस, हिप्नोटाइज हो गया। दिखाई मैंने गाइस, मैं हिप्नोटाइज हो गया। देखो दिख रहा है मेरी आंखों में, मेरे को पीछे आ रहे दो तीन, देखो हिप्नोटाइज हो गया, मेरे को गिनती भी नहीं आ रही। वो दम करके मारा ऐसे करके। गाइस पेड़े खा लो पेड़े, ये तो किसी वक्त के लिए। चक्के ले लेंगे मिर्ची चक। भाई दर्शन हो गए बहुत बढ़िया। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे। गाइस फाइनल दर्शन करके हम लोग निकल गए, लेकिन दर्शन तो बहुत अच्छे हुए, बहुत बढ़िया हुए, बहुत आनंद भी आया। लेकिन वहाँ के जो जो कमेटी है ना यार, उनको थोड़ा सा देखना चाहिए यार। वहाँ की जो मतलब कि भीड़ भड़क्का है, ये सब है, उनको अच्छे से हैंडल करना चाहिए भाई। लोग धक्का मुक्के में बहुत परेशान होते हैं भाई, इन चीज़ों का ध्यान रखना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कई चीज़ों के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। तो बस मैं क्या ही कहना चाहूँगा, बाकी लोग हम लोग निकल गए हैं वापस, हम पहुँचेंगे वापस नोएडा, बाकी वीडियो घर जाके बाय। तो गाइस फाइनली पहुँच चुके हैं अपने घर पे, दर्शन करके वृंदावन के, बहुत ही आनंद आया। बाकी भी ने चाहा तो फिर से हमें बहुत जल्दी मिलाएंगे, और मैं पूरा का पूरा मतलब टूर दूंगा तुम्हें भाई। निधिवन भी जाऊँगा, इस्कॉन टेम्पल भी जाऊँगा, हो सके तो प्रेम मंदिर भी जाऊँगा। वैसे तो मैं हर जगह घुमा हूँ, लेकिन भाई वहाँ पर जाके आनंद अलग ही मज़ा आता है। और इस बार हमारे साथ पता कौन जाने वाला है? गैस करो कौन चलेगा अगली बार? डन पक्का। ये क्यों तुम लगा रहे हो? नंगा है अभी। नंगा है क्या? ओके ये ऐसे सोता है मेरे साथ। ओके क्या है तेरे पास ऐसा? तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर देना। और कैसा आ रहा है व्यू? नक्शा आ रहा है ना ऐसे करके? वैसे मैं ऐसे करके बनाता हूँ भाई। मैं अभी देखो मोटा हूँ भाई, कोई पतले होने की वो बताओ टेक्निक कि 10 दिन में पतले हो जाए, तेरे को पता? मुझे सीखनी है मुझे। कह रहा होता मैं तो। और भाई एक बहुत जल्दी सरप्राइज देंगे तुम्हें, बताना है भी कि नहीं? बहुत जल्दी सरप्राइज आने वाला भाई सबके लिए, और हमारे लिए भी, क्योंकि मेरे लिए भी कुछ नया है वो, क्योंकि आप लोगों के लिए बिल्कुल नया। हाँ भाई अपने तुम्हारे अपने चैनल पे तो नया ही है भाई, क्यों? बहुत जल्दी दूंगा सरप्राइज, हो सकता है अगली वीडियो में दे दूँ। इसके बाद जो तुम वीडियो देखोगे वही पिंपल हो गया। अगली वीडियो में थोड़ा सा हिंट देंगे, पिंपल हो गया भाई। यार ये जो वेदर है ना ये वाला मुझे सूट नहीं करता, ह्यूमिड वेदर है ना, क्या कर रहे हैं, टैलेंट है। अगली वीडियो में थोड़ा सा हिंट देंगे नेक्स्ट सरप्राइज का। सरप्राइज क्या बोल रहा है? सरप्राइज बोला भी नहीं जा रहा, एक्साइटमेंट ही इतनी है भाई। नहीं क्योंकि अभी के भाई रात के बज रहे हैं भाई 3:30 हो चुके हैं, मतलब सुबह के 3:30 हो चुके हैं। एक चीज़ है जो हमें सुबह, यार ये रात को मत भेजा करो मैसेज मुझे, मतलब इस टाइम सुबह हमने देखना है अभी एक चीज़ वो करके, अगर तुम्हें तुम्हें व्लॉग में दिख जाएगी, अगर पसंद आएगी तो उसको हम डन कर देंगे, है ना? चलो भाई इसी रात इस व्लॉग को यहीं पर करते एंड, क्योंकि सोना ही बहुत ज़रूरी है। बाय 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 गाइस। सुनना चाहते हो उसकी वो वाली? अभी नहीं मैं अभी नहीं, कल सुनाते। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, बाय।